उसी क्वेश्चन नंबर 2.22 का ही ये थर्ड पार्ट है, 2.22 का थर्ड पार्ट है। क्या है? कह रखा है कि किसी तूफान की अवधि में वायु की चाल, मतलब स्पीड ऑफ एयर ड्यूरिंग स्टॉर्म, स्पीड ऑफ एयर ड्यूरिंग स्टॉर्म। अब आप समझें, बड़ी आसान तरीका है, एक गुब्बारा ले लें हाथ में, एक बलून ले लें, और बलून को हाथ में लेने के बाद क्या करें कि उसको धागे से बांध लें, ठीक है, और या फिर हाथ में ही पकड़ लें ऐसे ही, और ऐसे ऊपर कर दें, ये समझ लें। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की लेंथ एच है और यहां बलून है, ठीक, ऐसे उसको ऐसे ऊपर हवा में करें। अगर आपका हाथ यहां है तो इतना लंबा धागा कर दें और ऊपर गुब्बारा रहे, ठीक, एयर तो ब्लो हो ही रही होगी, जिस भी डायरेक्शन में एयर ब्लो होगी, जिस भी डायरेक्शन में एयर क्या होगी बेटा, ब्लो होगी, ठीक है ना। एक सेकंड के लिए आप केवल गुब्बारे को फ्री कर दें, कितने सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए। अगर एयर इधर ब्लो हो रही है तो एक सेकंड में गुब्बारा यहां से, मान लीजिए यहां तक पहुंच गया, केवल कितने सेकंड में, वन सेकंड में गुब्बारा यहां पहुंच गया, बलून यहां से इसको मिला दें, इस एंगल को आप मेजर कर लें थीटा, इस एंगल को आप मेजर कर लें, किसको बेटा, थीटा को। और जब आप मेजर कर लें तो अगर आपको इस, और एक सेकंड में यहां से यहां तक पहुंची है, आपको पता लगाना है कि क्या स्पीड है किसकी बेटा, एयर की। तो बड़ी आसान है, स्पीड कैसे पता लगेगी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम। अब स्पीड आपको जाननी है, सर ये डिस्टेंस कैसे पता लगे, क्यों नहीं पता लगेगा, ये क्या है, एंगल के सामने है, एल्टीट्यूड है, लेंथ एल्टीट्यूड, आधार बेस, ये असल में हाइट है, ये आपको चाहिए, और टैन थीटा होता ही है, तो एल्टीट्यूड, ये और एल्टीट्यूड ही असल में आपका डिस्टेंस है, इस टैन थीटा का मल्टी किससे कर दें, एच से कर दें, हो जाएगा ये, तो एच टैन थीटा, टाइम आपका लगा है कितना सेकंड, वन सेकंड, यही आपको क्या दे देगी बेटा, स्पीड दे देगी। और थीटा आपको मेजर करना रहेगा, अगर थीटा आपका कितना है 45 अंश है तो बड़ी आसानी से डी बराबर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, स्पीड बराबर एच के बराबर आ जाएगा, थीटा आपको मेजर करना पड़ेगा, आप मेजर कर सकते हैं, वन सेकंड दिया, एच क्या है ये तो आपको पता है, कितनी ऊंचाई पर आपने गुब्बारे को रखा है, ये दो हो गया बेटा, समझ सके इस चीज को, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, और अगला पार्ट देखने से पहले एक मिनट रुकते हैं। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट वही फोर्थ, डी क्या है देखें, 2.22 का डी कह रखा है कि बताएं जरा क्या पूछना चाहते हो भाई, आपके सिर में कितने बाल हैं, नंबर ऑफ बाल्स इन माई हेड, इस समय तो कम हो गए हैं, पहले बहुत थे, पुरानी तस्वीरें मेरी फेसबुक पर जाकर आप देख लें, ठीक है ना। नंबर ऑफ हेयर्स इन माई हेड, अब आपको बता दें बहुत इजी है, कैसे, और नंबर ऑफ हेयर्स इन हेड इज क्या, एरिया ऑफ हेड, सर के एरिया को एरिया ऑफ वन हेयर, एक हेयर के क्षेत्रफल से पूरी खोपड़ी के क्षेत्रफल को भाग कर दीजिए। अब ऐसा कैसे होगा, बड़ी अजीब बात है, अगर हम मान लें कि ये एक बाल है, ये एक बाल है हमारा,
ये एक बाल है और एक बाल की ये मोटाई है कितनी है डी, तो ये व्यास होगा, ठीक है, ये व्यास है डायामीटर। ठीक है ना, ये डायमीटर है। अब क्या करें, तो अब अगर बालों का हमको ये एरिया पता लग जाए, ठीक है ना, सेक्शन एरिया हेयर का पाई डी स्क्वायर, पाई डी बाई टू पाई आर स्क्वायर होता है, पता लग गया भाई मुझे, हो गया ना, ये आर है रेडियस, रेडियस आर, आर बराबर डी बाई टू हमको एरिया। अब खोपड़ी का एरिया, खोपड़ी का एरिया कैसे पता लग जाए, अगर मान लें कि एक आम आदमी की खोपड़ी का जो रेडियस है वो कितना है आर है एवरेज, तो एरिया ऑफ हेड कैपिटल आर स्क्वायर। अब करना क्या चीज है, इसी फार्मूले में रखते हैं, नंबर ऑफ हेयर्स, देख लीजिए साइंस में क्या क्या पॉसिबल है, एरिया ऑफ हेड को डिवाइड कर दें पता लग गया। अब आपको एक सिंपल सी बात बताते हैं, एक आदमी के सर की औसत जो त्रिज्या होती है, औसत त्रिज्या एक आदमी के सर की वो 9 सेंटीमीटर होती है, 0.09 मीटर, एक एवरेज रेडियस एक आदमी के हेड की जो होती है बेटा। और उसके बाद एक आदमी के हेड का जो रेडियस होता है, मतलब एक आदमी के बाल की जो त्रिज्या होती है, एक आदमी के बाल की जो क्या होती है त्रिज्या होती है, बाल की त्रिज्या एक आदमी के, समझिए, या व्यास कह लीजिए, वो लगभग 3 मिलीमीटर होता है, या 3×10^-3 सेंटीमीटर, ये एक आदमी के बाल का व्यास है। अब क्या है, इसी फार्मूले में रख दो, नंबर ऑफ हेयर्स 4R² 3, और जब कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आंसर आएगा 3.6×10^7, लगभग इतने बाल आदमी की खोपड़ी में होते हैं अप्रॉक्स, इतने बाल, ठीक है ना, ये बड़ा इजी था, कोई बड़ी बात नहीं थी। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, क्या है इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट वो देखें, हाँ वही है कि आपकी क्लास का जो रूम है, इस क्वेश्चन का ई पार्ट, आपकी जो क्लास का रूम है यानी जो आपका क्लास रूम है उसमें कितने एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन योर क्लासरूम। आप देख लीजिए कि हम लोग ये अमूमन आंकड़े हैं, अप्रॉक्स ये, लेकिन कैसे, दिमाग तेज करने के लिए एनसीईआरटी से बेहतर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता, एनसीईआरटी से बेस्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता दिमाग तेज करने के लिए, एनसीईआरटी से बेस्ट क्वेश्चन दिमाग तेज करने का। मैं अभी तक कभी भी एनसीईआरटी को इतनी तरजीह नहीं देता, मैं कहता था साइड बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड बुक बहुत अच्छी है, लेकिन गलती थी वो, है अच्छी साइड बुक, एग्जाम के लिए उपयोगी है, इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है, लेकिन लाइफ के लिए, कंपटीशन के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। आगे कह रहा है किसी क्लास, अब देख लीजिए बहुत इजी हो जाएगी, अगर आपको चाहिए क्या, अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि क्लासरूम में कितने एयर मॉलिक्यूल हैं, बहुत इजीली निकलेगा, कैसे सर, कैसे इजीली निकलेगा, निकलेगा ना, हम बता रहे हैं, कमरे की वॉल्यूम को एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, बस भाई हम कहते हैं 1 मीटर क्यूब, मैं कहता हूं 1 मीटर क्यूब का एक गोला है और कमरा 50 मीटर क्यूब का है, तो 50 गोला तो आएगा, ऐसी बात है, या 2 मीटर क्यूब का एक गोला है और कमरा 100 मीटर क्यूब का है तो 50 गोला आएगा, क्योंकि एक गोला तो 2 मीटर क्यूब लेगा ही लेगा, तो बहुत सिंपल है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमें रूम का तो वॉल्यूम मिल जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैसे मिलेगा? मिलेगा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, आपको पता होना चाहिए कि एनटीपी पर, एनटीपी पर चूहा को कोई बड़ा चूहा पकड़ लिया है, एनटीपी पर कोई भी गैस हो, एट एनटीपी कोई भी गैस, फॉर एनी गैस कंटेन्स वॉल्यूम ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। किसी भी गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है 22 पॉइंट कितना लीटर 4 लीटर, ये होता ही होता है। एंड 22.4 लीटर इज इक्वल टू इतना मीटर, और ये कितने मोल लोगों का है? वन मोल लोगों का है। तो वन मॉलिक्यूल का कितना होगा? ये वन मोल लोगों का है, वन मोल मतलब इधर लिखते हैं 6.023 × 10³ इतने लोगों का है बेटा, ये इतना मीटर क्यूब। तो वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ऑफ हो गया, इतने लोग एक मॉलिक्यूल का निकल आया। अब कितना आसान हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया। रख दीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्लासरूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ रूम एलबीटी लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तो पता लग जाएगा, रूम ने मेजर कर लीजिएगा और इससे डिवाइड कर दीजिए वन मॉलिक्यूल से। जो आंसर आएगा, अब आपके रूम का जो भी हो LBH, तो आप जानेंगे ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये हिस्सा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अगर मैं कह दूं L = 8 मीटर, अगर आप मेरी बात मान जाएं, L = 8 मीटर, B = 6 मीटर और H = 4 मीटर, अगर आप मान लेते हैं क्लास ऐसी है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और जैसे पुट करोगे लगभग लगभग इतना ही आ जाएगा 27। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक क्लासरूम में।